तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी आप बोल सकते हो, मतलब वैसे नहीं हाइप के मामले में नहीं, लेकिन मैं उस मामले की बात कर रहा हूँ जिसने कि एनिमल को भी पीछे छोड़ दिया। अभी मोस्ट वायलेंट मूवी के नाम से इसको जाना जा रहा है और बताया ये जा रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू न्यूज अगर मैं बात करूँ तो अभी एक न्यूज़ निकल के ये भी आई है कि जो जॉन विक है अपने, जिन्होंने जॉन विक बनाई थी डायरेक्टर, उन्होंने इस बॉलीवुड मूवी का जो एक अडेप्टेशन है या फिर आप बोल सकते हो कि एक जो राइट्स है वो ले लिए हैं और वो इसको हॉलीवुड में फिल्म बनाएंगे एज इट इज आप बोल सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत फेर बदल करके जो उनका मन होगा। लेकिन अगली जो न्यूज़ है वो अभी ये आई है कि उन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं। अभी बात करते हैं किल मूवी के बारे में, जिसके अंदर हमको लक्ष्य करके एक अपने आर्टिस्ट हैं नए नए वो दिखे हैं, राघव जोयल दिखे हैं, राघव जोयल जोयल जो भी है सभी जानते हैं राघव भाई को। तो राघव भाई की जो एक्टिंग है, एक जो डार्क शेडो करेक्टर उन्होंने पकड़ा है, नेगेटिव करेक्टर, वो काफ़ी इंप्रेसिव मेरे को लगा। आपको कभी कभी ऐसा फील करा देगा जैसे कि एक जोकर मूवी आई थी हॉलीवुड के अंदर, वो कभी कभी फील करा देता है, एक फ़नी एक साथ में एक जो दिमाग में चल रहा होता है अगले सेकंड वो कुछ कर देगा, आपको पता ही नहीं है कि ये अगले सेकंड में क्या करने वाला है। वो एक जो करेक्टर है वो राघव ने काफ़ी अच्छे से पकड़ा है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, एक लड़का है जो कि मतलब आर्मी में या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट जॉब में, जिसको कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से हुई है उसकी, और कमांडो बोल सकते हो आप जो आपका मन करे, ठीक है। अब क्या होता है, वो एक ट्रेन के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो फंस जाती है, फिर गुंडे उसको घेर लेते हैं। ट्रेन जा रही होती है, उसके अंदर जो लुटेरे वगैरह होते हैं चढ़ जाते हैं। वैसे मैंने पहले भी जब ट्रेलर का रिव्यू किया था, मैंने पहले भी बोला था जो डायरेक्टर हैं इनके, उन्होंने बोला था कि मैंने एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर इसके ऊपर काम किया है। तो उसके अंदर लक्ष्य की जो ब्रूटैलिटी आपको दिखती है, लोगों को जो वो मार रहे हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो आप बोलोगे यार क्या मारा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है अरे वाह, मतलब एक जो शॉकिंग वाले फैक्ट होते वो आपको इसके देखते इसमें देखने को मिलते हैं। और राघव जोयल का भी एक डायलॉग है, वो बोलते हैं ऐसे कौन मारता है, वो जो है वो लिटरली सच बोल रहा हूँ मैं। मूवी काफ़ी अच्छी है, अगर एक्शन सिक्वेंसेस या फिर एक जो खून खराबा खून खच्चर वाली जो चीज़ें आपको देखना पसंद है, तो एनिमल के बाद एक मैं बोलूँगा कि एनिमल से आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। बाकी तो कंपैरिजन भी करोगे तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एनिमल की वाइब कुछ अलग थी, इसकी वाइब कुछ अलग है। लेकिन आर रेटेड मूवी तो ये है, अगर आपने देखा है तो पता होगा आपको, नहीं देखा है और देखने का मन है तो ज़्यादा रिव्यू वगैरह देखो मत, मूवी देख लो काफ़ी अच्छी है। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।